हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नर्मदा नीर आंदोलन में मंगलवार को बंद और चक्का जाम। भिनमाल नगर सहित विधानसभा क्षेत्र वासियों की लाइफलाइन मानी जाने वाली नर्मदा परियोजना ईआर प्रोजेक्ट का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने की मांग को लेकर गठित नर्मदा नीर संघर्ष समिति द्वारा मंगलवार को भिनमाल बंद व चक्का जाम को लेकर समिति द्वारा सोमवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। अभी तक आंदोलन को हल्के में आंकने वाले जिला व उपखंड प्रशासन की भी कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ती नजर आ रही है। सोमवार को एसडीएम सीओ व थाना अधिकारी ने समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित कर चक्का जाम को स्थगित करने व शांतिपूर्वक बंद का आयोजन करने का सुझाव दिया, लेकिन समिति के सदस्यों ने चक्का जाम के लिए सरकार व जिला प्रशासन की हठधर्मिता व घमंड को जिम्मेदार ठहराते हुए चक्का जाम स्थगित करने से इनकार कर दिया। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे एसडीएम कार्यालय में आयोजित बैठक में एसडीएम जवाहर राज चौधरी ने समिति द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन व क्षेत्रवासियों की ज्वलंत समस्या, मांग व भावनाओं को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को अवगत करवाने व कार्य में गति लाने के लिए प्रशासन द्वारा नर्मदा अधिकारियों की बैठक व चर्चा से अवगत करवाया। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा भिनमाल की जनता के आंदोलन को हल्के में आंकने, मांगों व समस्याओं को नजरअंदाज कर पूरे विधानसभा क्षेत्र का अपमान करने को लेकर नाराजगी जाहिर की। समिति ने अवगत करवाया कि भिनमाल के इतिहास में सबसे लंबा नर्मदा नीर को शांतिपूर्वक आंदोलन है, फिर सरकार के मंत्री व जिला कलेक्टर द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे हालात में नर्मदा नीर उपलब्ध करवाने का आश्वासन पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक शंकर लाल ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस मुस्तैद व बंद के दौरान आवश्यकता अनुसार जाप्ता तैनात करने की बात कही। सीआई दुलीचंद गुज्जर ने बताया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग की अपील की। समिति के सदस्यों ने आश्वस्त किया कि बंद व चक्का जाम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पालना की जाएगी। इस अवसर पर समिति के सदस्य शेखर व्यास, नरेश अग्रवाल, मोहन सिंह सिसोदिया, दिनेश नवीन, हेम सिंह राव, अशोक सिंह ओपवत, सुरेश मीडिया, भरत सिंह भोजानी, तैयब बागवान, कपूर चंद गहलोत, मांगीलाल गहलोत, मदन सिंह राव, जगदीश प्रसाद शर्मा व श्रवण सिंह राव, जमराराम भाटी, विक्रम सिंह ईरानी व विक्रम सिंह भाटी मौजूद थे। इसके बाद एसडीएम कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान एसडीएम ने नर्मदा नीर को लेकर उपखंड प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों से अवगत करवाया, जिसमें सीधे पाइपलाइन के माध्यम से करीब 6 माह में भिनमाल नगर वासियों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए नर्मदा विभाग द्वारा आश्वासन देने की बात कही। एसडीएम ने कार्य में गति लाने के लिए नर्मदा विभाग के अधिकारियों से लगातार संवाद में बैठकों का दौर जारी रखने और प्रगति को लेकर समिति को समय समय पर अवगत करवाने का विश्वास दिलाया। जागरूक टीवी के भिनमाल से पर्वत सिंह राव की रिपोर्ट।